आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। आज मैं आपको मेरी लिखी गजल खंडहर सुनाने जा रही हूं। खंडहर, उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, पहले की बात और थी वो बात अब नहीं। उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, सारे शहर में उस इमारत की चर्चा रहती थी कभी, सारे शहर में उस इमारत की चर्चा रहती थी कभी, अब तो किसी को उसके आंगन की भी याद नहीं। अब तो किसी को उसके आंगन की भी याद नहीं, उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, पहले की बात और थी वो बात अब नहीं। खिलखिलाता था बचपन, मदहोश थी जवानी वहां की, खिलखिलाता था बचपन, मदहोश थी जवानी वहां की, बुढ़ापे की झुर्रियों की तरह जर्जर होती दीवार भी अब नहीं, बुढ़ापे की झुर्रियों की तरह जर्जर होती दीवार भी अब नहीं। उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, पहले की बात और थी वो बात अब नहीं। हर शाम मजमा जमता था वहां दीवाने शायरों का, हर शाम मजमा जमता था वहां दीवाने शायरों का, कुछ टूटे फूटे ईंट हैं पर शायरों की वो दीवानगी अब नहीं, कुछ टूटे फूटे ईंट हैं पर शायरों की वो दीवानगी अब नहीं। उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, पहले की बात और थी वो बात अब नहीं। वहां सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल की परतें हैं आप, वहां सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल की परतें हैं अब, वो ऐसा खंडहर है जिसका कोई इतिहास गवाह नहीं, वो ऐसा खंडहर है जिसका कोई इतिहास गवाह नहीं। उस वीरान खंडहर में रहता नहीं अब कोई, पहले की बात और थी वो बात अब नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये गजल पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपके कमेंट्स और लाइक्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मुझे आगे बोलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मुझे सुनते रहिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नया और ख़ास लेकर। अलविदा।